दमोह जिला मुख्यालय पर पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस द्वारा दिए गए धरना प्रदर्शन और आंदोलन के मामले को लेकर के शहर के कुछ युवाओं के द्वारा एक आवेदन कोतवाली थाना में दिया गया, जिसमें कहा गया कि धरना प्रदर्शन की किसी भी तरह से अभी अनुमति नहीं है। ऐसे हालात में कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, निश्चित ही इसमें कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है, लोग मास्क नहीं पहने थे। इसके साथ ही इन युवाओं के द्वारा इस मामले पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी ज्ञापन सौंप कर की गई है। क्या कुछ कहा इन युवाओं ने, क्या कुछ है इनकी मांग, आपको सुनाते हैं इस खबर के साथ। और अगर अनुमति नहीं दी गई है तो इनके ऊपर अभी तक FIR क्यों नहीं हो पाना होगी। तो हमारा आपसे कहना है कि आप इनके खिलाफ अगर CCI ने अनुमति ली और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ भी आप FIR करो, उसका हमारा आवेदन। और आगे ऐसे भीड़ भाड़ या अनुमति आगे तो प्रशासन ने इतनी मेहनत की, सब लोग और कितने हैं आज, अरे शर्मा ने ऐसा देखो। आज हमने ज्ञापन दिया है और शिकायत की है, हमने आवेदन किया है माननीय थाना प्रभारी जी से कि कल एक प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया कांग्रेस के द्वारा, जो पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों के खिलाफ था, जो एक सामाजिक काम है, जो एक अच्छा काम है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन में जिस तरीके की भीड़ लगाई गई, रोडों पर भीड़ लगा के जुलूस निकाला गया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना ही किसी ने मास्क पहना था। बहुत से ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो पूरे कोरोना काल में आपको पूरे प्रशासन पर, मध्य प्रदेश सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते देखे, उंगली उठाते देखे कि प्रशासन ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जब कल यहाँ पे देखा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये मजबूरी है कि बाजारों को खोलना पड़ा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कांग्रेस के किसी नेता ने वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। प्रदेश से लेके, देश से लेके दमोह स्तर तक पूर्ण लॉकडाउन इसलिए लगाया गया ताकि कोरोना काल में किसी ने काबू पाया जा सके। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया इसी कोरोना काल के। कोरोना हुआ कैसे कि आप संपर्क में आए, दूसरी वेव थी जिसमें कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, कई लोगों के घर बिक गए, ज़मीनें बिक गई, उसका इलाज कराते कराते। और इस तरीके की लापरवाही एक जिम्मेदार पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो की गई है, हमने विनम्र अनुरोध किया है माननीय थाना प्रभारी जी से कि इनके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर इन प्रशासन ने इनके लिए अनुमति दी है कि रैली निकालने की अनुमति दी है, तो जिन लोगों ने अनुमति दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमें बोला जाए, हमने बोला है। उनके खिलाफ भी अगर अनुमति नहीं की गई तो ये धारा 140 का उल्लंघन है। तो जितने कांग्रेसी नेता उसमें दिखे थे धारा 140 का 44 का उल्लंघन कर रहे थे, उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोरोना काल चल रहा है और कांग्रेस अभी भी बाज नहीं आ रही है। कार्यक्रम पे कार्यक्रम, रैलियों पे रैलियां, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ चंद नेता हमारे दमों को बर्बाद करने पे तुले हैं। कल फिर एक आयोजन किया गया कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको मौतें नहीं दिख रही हैं क्या? भैया आरो मान जाओ, आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया कर घर में रहें और सोशल डिस्टेंस बना कर रहें। क्या आपकी किन मांगों के लिए, क्या मांग की है आपने? बस हम यही आए थे थाना प्रभारी जी से उनकी शिकायत करने कि ये जो अभी माहौल चल रहा है, कोरोना काल का माहौल चल रहा है, इसमें भी अभी रैलियों की परमिशन दी जा रही है कि आप रैली निकाल सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप बड़ी संख्या में आ सकते हैं, ये गलत है। तो जिसने भी ये परमिशन दी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिसने ये भीड़ एकत्रित की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।